तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों की और महिलाओं की संख्या देख लीजिए। इस वक्त किसानों पुलिस की जो बैरिगेड थी, पुलिस की जो घेराबंदी थी, उसको तोड़कर आगे निकल चुकी है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उसी के पीछे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा हो है? क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन हमें रोकने की कोशिश कर रही है और हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो है किसानों को डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस बल को तोड़ दी। हम अपना हक लेकर आएंगे। आगे कहाँ? दिल्ली जाकर आएंगे बॉर्डर पर। मर तो जाएंगे, यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस नहीं जाने दे रही, बैरिकेड करके डिटेन। बैरिकेड करके नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको यहां पर दिखा दें। दिल्ली की रास्ते पे जो रोक रखा है किसानों को, और यहां पर जो है साफ नारे लग रहे हैं कि जेल जाएंगे लेकिन हार मानकर नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, जेल जाने को तैयार? जेल जाने को तैयार हैं बिल्कुल। पुलिस ने आगे से बैरिगेटिंग करके रास्ता रोक रखा है। वो रास्ता बनाएंगे, जाएंगे, रास्ता रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। साफ नारे लगाए जा रहे, क्या कहेंगे हम? आप कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जमीन का पैसा लेने। हमारे कुछ नहीं है, बच्चे भूखे रहे, हमारे गरीब ली जमीन आपकी। यहीं बैठे कहाँ जा रही है? किसने ली जमीन आपकी? ऑथोरिटी ने भूखा पैसा पड़ा सवेरी से देगी तू? हम बताएंगे कितने डेढ़ सौ बीघे धरती है। नोएडा ऑथोरिटी ने ली है जमीन। अब ये करार है हमारे, मांगे नहीं है, करार है। सरकार कह रही है आपके लोगों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। अगर सरकार काम करती तो यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की जो तस्वीरें हम यहाँ पर जो किसानों को रोका गया है वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो है पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिगेटिंग करके चारों तरफ से नाकाबंदी कर रखी है, और यहाँ पर जो है देखिए पुलिस की तैनाती दिखा दूं, बस जो है, और साफ कह रहे हैं भीख नहीं। क्या कह रही है अम्मा? माल मांग रहे हैं अपना, जो हमारा इन पर है। किसने लिया है? इन्होंने लिया, अधिकारी ने। हमारी तरफ से एक बंदे ने मांगने की कोशिश करी, हमें जागरूक करो, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और उसी के पीछे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन हमें रोकने की कोशिश कर रही है और हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो है किसानों को डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों को जो है पुलिस डिटेन करना शुरू कर चुकी है। उन्हें उठाकर जो है गाड़ी में भरने की जो है प्रक्रिया वो लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो है लोग सीधे कह रहे हैं कि हम फांसी लगा लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? हम अब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, किसान किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस नहीं जाने दे रही, बैरिकेड करके डिटेन किया जा रहा है। हाँ, इस वक्त तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये परवरता देखिए किस तरीके से जो है रो रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है लोगों को, और पूरी तरीके से जो है मरो। महिलाएं खुद से तैयार है जाने को, ये अपने हक अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़ रही हैं, और साफ कह रही हैं कि आगे जो है बैरिकेड तोड़ेंगे, जेल जाएंगे तो हम जेल भी जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, अधिकार लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या हमारा संसद घेरने का विचार है? संसद घेरेंगे हम आगे बढ़ेंगे, और इन्होंने गिरफ्तारी के पूरे साधन कर लिए, या तो ये हमें गिरफ्तार करे, हमें जेल भेजे। बैरिकेडिंग की गई है, कैसे जाएंगे? हाँ, गिरफ्तार कर रहे हैं हमें। पुलिस जो है बैरिकेडिंग करके जो है कैसे जाएंगे आगे? पुलिस ने बैरिकेड ऐसे जाएंगे जैसे आप धक्का लो, कैमरा पकड़, तू कैमरा पकड़।
आपको दिखा रहे तस्वीर जो है किसानों ने आगे पुलिस बल को धक्का देकर पुलिस बल की सारी बंदी से जो है उसे तोड़कर जो है आगे निकलने की जो है वो आगे निकल चुके हैं। आपको तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों की और महिलाओं की संख्या देख लीजिए। इस वक्त किसानों पुलिस की जो बैरिगेड थी, पुलिस की जो घेराबंदी थी, उसको तोड़कर आगे निकल चुके हैं। आप लोगों ने बैरिगेड तोड़ दी, पुलिस बल को तोड़ दी। हम अपना हक लेकर आएंगे आगे कहां दिल्ली जाकर आएंगे बॉर्डर पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महिलाएं किस तरीके से आगे आगे चल रही हैं और जो पुलिस ने घेराबंदी की थी उसे यहां पर तोड़ दिया गया है। अपना हक लेकर आएंगे, अब ना किसी के बाप की। यहां पर महिलाएं जो है सबसे आगे चल रही हैं और पीछे जो है किसानों का जत्था हम आपको पूरी दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों का पूरा जत्था जो है इस वक्त आ रहा है। आगे आगे महिलाएं हैं, क्या कहेंगी, चोटें भी आई हैं आप लोगों, काफी लोगों को जो है चोटें आई हैं। आप लोगों ने किसान जो घेराबंदी थी तोड़ दिया? हाँ, उन्होंने जो पुलिस की जो बसें लगाई थी वो एक तरह से इन्हें दिखाने के लिए लगाई थी ताकि गिरफ्तार करे। अब उनको क्रॉस करके हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हम सीधा चिल्ला बॉर्डर से संसद की तरफ घुसेंगे। आगे फिर घेराबंदी की गई है, उसे भी तोड़ेंगे। अब तक हम तीन तोड़ चुके हैं सुबह से तीन घेराबंदी, तीन नाकेबंदी, बैरिकेडिंग सुबह से तीन तोड़ चुके हैं और आगे जितनी भी मिलेगी सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बैरिकेडिंग की गई है, कितनी भी चाहे कुछ भी सही, चाहे कितनी मजबूत सही, जब ये तोड़ दी तो वो भी टूट जाएंगी। चोटें आ रही है कई लोगों को, आने दो, मर तो जाएंगे, यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जो प्रण लेके आए, जो प्रण लेके आए, डंडा मारे हमको, अभी चांदी का बिछिया भी खोलिए, ये कर लिए, इतना धक्का मारो आप पीछे से गिर गई। हाँ, पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, किसानों पर पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, तो किसान कहाँ जाएंगे? ये आपकी सुरक्षा का ना है, बहन ना है, कोई चीज ना है इनके, जो आपको तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है किसानों को जो है आगे जाने से रोका जा रहा है। ये दिल्ली की सड़क है जिस रास्ते से आगे बढ़कर इंसान आगे ये दिल्ली को जाती है और यहीं से जो है ये सभी किसान आगे जाकर संसद घेराव का इनका जो है योजना थी और ये साफ कह रहे थे कि अपनी जमीनों के पैसे जो इन्हें नहीं दिए जाते हैं वो सब और तमाम ऐसी मांगे थी जो ये उसकी मांगों के साथ आगे को बढ़ रहे थे जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी के तहत रोक दिया। जिस घेराबंदी में धक्का मुक्की भी हुई और कई ऐसे लोगों हैं लोग जिनको चोटें भी आई हैं, कई लोगों को डिटेन किया गया, गाड़ी में रखा गया और आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर से जो है लगातार कई लोग जो हैं इसमें पुलिस और किसानों के बीच ये झड़प देखिए किस तरीके से बिल्कुल किसान अन्नदाता और पुलिस जो है उसके बीच जो है झड़प आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां पर किसान अपनी मांगों के साथ ठीक थोड़ी बात जो किसान की क्या लाशा हो रही है, जो मर्दी है, क्या हो रहा है किसानों के साथ, किसानों की क्या हो रही है, पुलिस पकड़ रही है, घेर रही है, मार रही है, पीट रही है, हमारी कई जनानी बेहोश हो गई है, हमारी बेहोश हुई पड़ी है जनानी और हमारे आदमी लगे हुए मार मार के, यू का कानून है मारा जा रहा है, वो बैठा लिए, अरे वो बैठा लिए दो तीन चार बैठा लिए, इन्होंने कोई अच्छी बात है, ये तो आपके सुरक्षा लिए लो ना, मार रहे पीट रहे, सुखबीर ना देख और वे बैठा लिए, देख वे बैठा लिए गाड़ी में, अरे ले जा ना, हम तैयार है, चलो बैठा हुआ सब अपनी में बैठाओ, तैयार है जाने को, हमारे बच्चे ले ले, हम जाने तैयार है, बालकों को पकड़ पकड़ के बैठा रहे, जाके देख ले पकड़ लिए, पकड़ लिए, देख ले जाके बस में बैठा रखे मेरे, यू कोई अच्छी बात है। यह आपको दिखा, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें, कई सारे ऐसे लोगों को जो है पुलिस ने पकड़कर डिटेन करके जो है बस में रख लिया है और उनके साथ जो है
मार पिटाई की भी तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस और किसानों में झड़प होती हुई नजर आ रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है ये सड़क जहां से किसानों को संसद घेराव के लिए आगे जाना था, पुलिस ने बीच में बैरिगेटिंग की, घेराबंदी की और इन्हें रोक दिया गया। आगे पीछे से ये तीन बैरिगेट तोड़ कर आ रहे थे, चौथी इन्होंने फिर तोड़ दी थी और तमाम लोगों को जो है गाड़ी में भर लिया गया है और उन्हें वापस जो है डिटेन करके पुलिस जो है बल जो है उन्हें लेकर जा रही है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस वाले जो है बेरहमी से उन्हें पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।